नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एंड जो मैं कोर्स लाने वाला हूं आप सब लोगों के लिए एक ये मैंटरशिप प्रोग्राम है एक बूट कैम्प स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एंड इस कैंप के अंदर आप लोगों को वेरियस फैसिलिटीज़ मिलने वाली है या डेफिनेटली सो ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड आप लोगों को प्रॉबली पता है कि मैं अगस्त से पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को एंड मैं ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ एंड उनके रिव्यूज़ थोड़े टाइम में हमारी वेबसाइट जो ख़त्म होने वाली है बनने वाली है उस पर रिव्यूज़ आ जाएंगे उनके फीडबैक्स आ जाएंगे यू कैन चेक एज़ वेल इन आर वेबसाइट जब वो बन जाएगी दो तीन दिन में बन जाएगी वो वेबसाइट भी सो so, प्रोबली ये थ्री मंथ्स का एक मैंटरशिप प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस थ्री मंथ्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग एक वेरियस फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आप लोगों को सिखाएंगे सारी चीज़ें कवर करिए जिस तीन महीने के बैच में मेरे पास जो क्वेरीज आ रही थी कि सर आप ये भी कवर करिए एंड ये भी कवर करिए वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर मैंटरशिप प्रोग्राम में कवर्ड है येस गाइज सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधा लेट्स गो टू आर पर्टिकुलर जो मैंने आप लोगों के लिए एक पी बना रखी है या yeah. ये हमारी थ्री मंथ्स मेंटोरशिप प्रोग्राम की एक पीडीएफ है जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं एंड हमारा जो कोर्स का नाम हम लोगों ने सेलेक्ट कराया है कोर्स का नाम है द मेकर ऑफ अ स्टॉक पिकर यस द मेकर ऑफ अ स्टॉक पिकर यानी कि आप लोग खुद स्टॉक पिक कर पाए उसके लिए हम लोगों ने ये फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें प्रोग्राम बनाया है यस सो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो दो तरीके की हैं एक तो लाइव क्लासेस जो आप लोगों को लाइव पढ़ाई जाएंगी मतलब मार्केट पे लाइव होगी मैं आपके सामने प्रेजेंट होगा ना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्लस वो पढ़ाया जब जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो घंटे पढ़ा उस दो घंटे पर अगर आप लोग बाई चांस ज्वाइन नहीं हो पाते हैं आपको कोई बिजी है अगर आपका स्कूल है अगर आपका कॉलेज है तो उसकी एग्जैक्ट सेम रिकॉर्डिंग जो भी पढ़ाया गया है जितने लोगों ने भी डाउट्स क्लेरिफाई करे हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को सेंड कर दी जाएंगी येस सो ये नहीं है कि आपको एक बार पढ़ा दिया गया तो आप उसे दोबारा देख नहीं सकते आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड होंगी ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड हो जाएंगी उसकी एंड आप कभी भी बैठ के उसको दोबारा स्टडी कर सकते हैं टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स किस तरीके से देखिए सबसे पहला टॉपिक जो बहुत मेन है वो है क्लियरिंग योर मैंटेलिटी टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट लिसन टू योर प्रॉब्लम्स यू फेस इन द स्टॉक मार्केट सबसे पहले हमें देखना है कि आप कौन से कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हो स्टॉक मार्केट पे कोई प्रॉब्लम होते हैं फियर से रिलेटेड कोई जल्दी एग्जिट करने से हो जाता है किसी को राइट right एंट्री नहीं पता तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की सुनी जाएंगी आपका नोट डाउन करा जाएगा किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी मैंटालिटी को समझा जाएगा एंड उसके हिसाब से फिर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ठीक है फिर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी हम स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट पे हर जगह मतलब स्टूडेंट्स को जो लोग भी मार्केट करते हैं बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी की कन्फ्यूजन है जो मैंने अपने स्टॉक मार्केट स्कैम के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन रिट्रेसमेंट पुल बैक क्रैश करेक्शन ये किस तरीके से आप एक छोटे छोटे वर्ड से आप हैवी हैवी लॉसेस बुक कर सकते हो ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी फिर बेसिक कवर करवाने के बाद वी मूव टू इंटरमीडिएट इस पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे वर्क करता है एंड ये बिल्कुल बेस है अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पता चल जाएगा तो आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक्स के बारे में पता करना है कि कौन सी कैंडल स्टिक्स बनती हैं जिसकी वजह से कैंडल स्टिक्स पैटर्नस बनते हैं जिसकी वजह से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल पता चलता है एंड कब पता चलता है तो उस पर ट्रेड कैसे लेना है और कौन से पैटर्न फॉर्म होते हैं इनर पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के लिए यस हाउ टू ट्रेड इन अ चैनल एंड टेक ट्रेड विद एट फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैक टेस्टिंग ऑफ अ स्टॉक चार्ट अभी आप लोगों के सामने भी मैं रेगुलर जब यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों के सामने मल्टीपल बार स्टॉक की बैक टेस्टिंग करी है बैक टेस्टिंग पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिलता है बैक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक की साइकोलॉजी को वो हमें बताता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये मेन कंसेप्ट है समझने का और बैक टेस्टिंग के थ्रू करेंट प्राइस पे कैसे एंट्री लेनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी बताते हैं फिर लास्ट आता है टूल्स टू नो कौन से कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए फॉर एग्जांपल फिबोनाची एक्सटेंशन बहुत लोगों को फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता और फिबोनाची एक्सटेंशन हो गया मूविंग एवरेज के थ्रू हमें कैसे ट्रेड लेना है ठीक है ये सारे टूल्स आप लोगों को बताए जाएंगे टूल्स इन द सेंस आपको ट्रेडिंग व्यू में भी बताया जाएगा कि आपको अपना टूल्स का एक सेटअप कैसे बनाना है और उसके थ्रू आप कैसे मार्केट पर आराम से ईजिली वर्क कर सकते हैं उसके बाद आते हैं चार्ट पैटर्न्स के अंदर सीक्रेट एंड ट्रेड टू अर्न विद अ डबल टॉप एंड डबल बॉटम कप एंड हैंडल हेड एंड शोल्डर्स एंड देखिएगा इस आपको सुनने में आसान लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी कंसेप्ट है ये तो हमें मिल जाएगा बट डेफिनेटली जब जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि मैंने आप लोगों को कितना डिफरेंट वे में बताया था एंड इंटरनेट एंड यूट्यूब से अलावा ये कितना डिफरेंट वे में जाता है इफ़ यू थिंक कि हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है तो आप लोग कन्फ्यूज हैं अभी भी ठीक है अगर आप लोग सोच रहे हैं फ्लैग एंड पोल एक कंटिन्यूशन पैटर्न है तो भी आप लोग अभी भी कन्फ्यूज हैं क्योंकि अंदर बहुत सारी इनर चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं जो रियल मार्केट पे ही काम आती हैं ठीक है बुकिश लैंग्वेज पढ़ानी है तो तो मैं आप लोगों को बहुत ईजीली पंद्रह दिन के अंदर अंदर पढ़ा सकता हूँ बट बुकिश लैंग्वेज और रियल मार्केट बहुत अलग है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ठीक है आप लोग भी पता जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था एंड जो रियल लाइफ में आप लोग करते थे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था सो so, उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हम रियल मार्केट के थ्रू ही आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियाँ हमें इसमें देखने को मिलती हैं फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब आता है तो किस रीज़न से आता है ठीक है एंड uh, उसके अलावा हम इसमें यह भी बताएंगे कि हाउ बिग इंस्टीट्यूशन थिंक बिग इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सोचते हैं आप लोगों को यही लगता होगा कि फंडिंग आ रही है फंडिंग जा रही है या उन लोगों ने स्टॉक को ऊपर लेकर गए हम लोगों ने बाय करा स्टॉक नीचे आ गया तो वो लोग मार्केट को मैनुपुलेट कर रहे हैं तो ये सारी गलत फहमियों को यहाँ पर दूर करा जाएगा एंड ये पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत बढ़िया है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन्स इसके लिए एक पूरा मैंने एक पीडीएफ बना रखी है खुद से कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे करते हैं एक निफ्टी पे रियल लाइफ एग्जांपल भी आप लोगों को बताया गया है और इस पर्टिकुलर कोर्स में बताया भी जाएगा उसके अलावा हम हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जैसा कि कल मैंने अपने यू इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर एक 15 मिनट्स पे ट्रेड लिया और उस पर एक साइफ़र पैटर्न बना साइफ़र पैटर्न बना तो हम लोगों को वन इज टू फाइव तक का एक प्रॉफिट मिल गया था सो so, उसके अंदर हम लोग गाटले बैट पैटर्न बटरफ्लाई एंड साइफ़र पैटर्न भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा किस तरीके से रेशियोज़ को काम करना है अगर आप लोग टूल्स टू नो पे अगर आपको जो मैं टूल्स पढ़ाऊंगा वो नहीं पता होंगे तो आप ये पर्टिकुलर हार्मोनिक पैटर्न को भी नहीं पढ़ पाएंगे येस yes. सो so, सारा कुछ रिलेटेड है फेबोनाची एक्सटेंशन रेशियोज से सो वहां के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस से बाहर निकल के कौन सी बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस वाली हम चीज़ें पढ़ाएंगे हाउ टू मेक अ परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल साइकोलॉजी जो आपके सामने इमोशनल साइकोलॉजी आ जाती है बिहेवियर उसको कैसे कंट्रोल करना है स्टॉक की साइकोलॉजी को कैसे समझना है और ये ना एक कंसेप्ट वाइज है कैसे आपको ट्रेड लेने से पहले ट्रेड को फाइंड करना पड़ता है एंड ट्रेड को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना है अगर आप स्टॉक की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे उसी के बाद आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है अपने ह्यूमन और इमोशनल साइकोलॉजी को मैनेज करना है तब भी आप अपने फियर को ओवरकम कर पाओगे तो ये पूरा बेस वाइज ऊपर जा रहा है एंड इसके थ्रू ही आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है वॉच लिस्ट कैसे डिसाइड करनी है किस तरीके से करनी है कितनी वॉच लिस्ट बनानी है अपने सेटअप्स लिस्ट के अंदर जो आपके स्टॉक्स हैं एक बार एनालिसिस कर लो एंड उसके बाद आपको फ्यूचर में वो हेल्प करता है वो कैसे करना है सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही हैं प्लस एक नया कंसेप्ट और लेकर आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में था फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिक फ्यूचर एंड ऑप्शन बताया जाएगा इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड टाइम वैल्यू क्या होता है ऑप्शनस के अंदर क्योंकि यही दो मेन कंसेप्ट है इसी से ऑप्शंस बना है ठीक है इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी बताया जाएगा ऑप्शन के टाइप्स बताए जाएंगे ये बिल्कुल बेसिक है उसके बाद फर्दर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एंड हेजिंग्स के थ्रू आपको बताया जाएगा ये कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं विच इज लॉन्ग एंड शॉर्ट लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट बुल कॉल स्प्रेड बियर कॉल स्प्रेड कॉलर एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैडल बटरफ्लाई ये कुछ ना ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं जो मार्केट पे यूज होती है इसके थ्रू हम लोग हेजिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं तो ये सारी चीजें कवर होंगी इस थ्री मंथ्स के मेंटोरशिप प्रोग्राम में प्लस एडिशनल ये हमारा जो थ्री मंथ्स का मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये वो चार बेसिस पे डिवाइडेड है फर्स्ट बेस हो गया जो ये पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ठीक है उसके अलावा नीचे आते हैं तो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है ट्रेड सेटअप येस ट्रेड सेटअप भी आप लोगों को दिया जाएगा इंट्राडे ट्रेड सेटअप ये प्री मार्केट प्रोवाइड करवाया जाएगा हमेशा हर दिन तीन महीने तक आप लोगों को ये इंट्राडे का ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करवाया जाएगा प्री मार्केट स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ये सारी चीजें भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी विद्री डेज अ वीक या फॉर योर ओन प्रैक्टिस अब देखिए इस अगर आप लोग मुझे बोले कि सर आप मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मुझे किस प्राइस पे बाय करना है मुझे किस प्राइस पे सेल करना है तो थ्री मंथ्स का ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आप मत लीजिएगा क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट प्राइस पे तो आप सीधा डिपेंडेंट हो रहे हैं और मेरे कोर्स का नाम है द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर आपको खुद स्टॉक पिक करना है आपको खुद ट्रेड करना है मैं आपको तीन महीने के अंदर वो नॉलेज प्रोवाइड करवाना चाहता हूं बट अगर मैं आपको बेस से ही पहले महीने से ही पहले दिन से ही अगर आपको मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा तो वहां पर आप डिपेंडेंट हो जाओगे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे ठीक है मैं डेफ़िनेटली आपको ट्रेड के सेटअप्स प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा मैं बोलूंगा ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो देखो ब्रेकआउट आ रहा है इसका जल्दी से एनालिसिस करके मुझे सेंड करो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में मूवमेंट है सो so, वो तक आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑन अ डेली बेसिस थ्री डेज अ फोर डेज अ वीक बट अगर आप सोचेंगे कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बोलूँ ये बाय प्राइस है ये एंट्री है तो वो नहीं हो पाएगा ठीक है आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी अगर आप मुझे तीन महीने तक दोगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बना सकता हूं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैं जनरली नहीं प्रोवाइड करवाता ना मैं खुद रिकमेंड करता हूं क्योंकि पाँच साल तक कोई रुकना पसंद नहीं करता बट अगर आप लोग अर्ली एज में अगर आपको मार्केट पे नहीं पढ़ना ज़्यादा और अगर आपको महीना दो डेढ़ महीना डेली बेसिस पे काम नहीं करना आप चाहते हैं कि मैं पाँच साल के लिए रख दूं और मैं तीन चार छः महीने में एक बार स्टॉक्स को वॉच लिस्ट करूं ऐड करूं उसके बाद रिव्यू करके हटा दूं तो यहां पर एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी आप लोगों को जिस तरीके से अगर आप लोग अट्ठारह साल के हैं या 18 से 20 साल के हैं उससे कम उम्र के हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है अपनी रिटायरमेंट तक का या अगर आप वहाँ तक की प्लानिंग कर रहे हैं फोर्टी एज की या थर्टी फाइव एज तक की वहीं पर ही आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं थर्टी थर्टी टू के एच ए के आसपास तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो इसको भी आपको प्रोवाइड होगा थर्ड जो सेटअप हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं विच इज़ मार्केट एनालिसिस ये अभी मैं दिसंबर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को ये लाइव मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस है एंड हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं ठीक है आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को आज का बताता हूं तो आज जो हम लोगों ने लाइव मार्केट एनालिसिस करी थी अपनी क्लाइंट्स की एंड ये स्टॉक्स हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है ये वाले स्टॉक्स सिक्सटी ऑफ डिसंबर को हमने आज की मार्केट पे सजेस्ट करा था दीपक नाइट्रेट सजेस्टेड प्राइस भी लिखा हुआ है किस प्राइस पे हम लोगों ने आप लोगों को बोला था कि बढ़िया लग रहा है आई टेल देम कि एग्जैक्ट इस प्राइस पे बाय करो मैंने बोला स्टॉक अच्छा लग रहा है आप इसको चेक कर, कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर एड कर सकते हो तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट 891 पे बोला था सुबह साढ़े आठ बजे के आसपास एंड नौ बजे भी हम लोगों ने एनालिसिस करी थी ट्रेंट सी यू बी सेंचुरी टेक्सटाइल हेवेल्स अम्मा राजा बैटरी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिलीप बिल्टकॉन प्री कैंप कैपलिन पॉइंट माइंड ट्री आर आई आई एल एंड टेंट फार्मा एंड यह सजेस्टेड प्राइस है प्लीज यू कैन गो एंड चेक ये सारे स्टॉक्स मैंने उन्हें बताए जरूर होंगे बट एनालिस उनकी है क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं डिपेंडेंटली वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ठीक है तो अपने सीधे पी डी एफ पे आते हैं दोबारा सो लाइव मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड होती है अराउंड एट थर्टी ए एम टू टेन थर्टी तक टेन ओ क्लॉक तक एक डेढ़ घंटे का हम लोग सेशन रखते हैं सुबह हम लोग नौ बजे नौ पंद्रह तक मतलब फोर्टी मिनट्स मार्केट के एनालिसिस करते हैं क्या लग रहा है कि मार्केट किस तरीके से खुल सकती है कौन से स्टॉक्स बेटर है किस तरीके से जब नाइन फिफ्टीन मार्केट ओपन हो जाती है फिर हम लोग को ट्रेड के लिए सेटअप ढूंढते हैं कि मार्केट किस तरीके से खुली है किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में वर्क करना है मतलब इन द सेंस लाइव मार्केट पर आप लोगों को सपोर्ट करा जाएगा येस लाइव मार्केट पे सपोर्ट करा जाएगा इसी तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स भी सजेस्ट करे जाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स सजेस्ट करे गए हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बाद हम लोग एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते हैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते हैं उसी दिन साढ़े नौ बजे से लेकर दस बजे तक रात को वहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी हम लोगों ने स्टॉक्स आज एनालिसिस करी है और जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने देखे थे क्या वो परफॉर्म हुए वैसे कि नहीं प्लस अगले दिन मार्केट पे कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए कौन से ट्रेड सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं तो ये पूरी लाइव मार्केट एनालिसिस भी आपके साथ प्रोवाइड होती है मतलब वी आर देयर फॉर यू 24 फोर आवर्स ठीक है उसके बाद फोर्थ सेक्शन में आते हैं तो एडिशनल बेनिफिट्स में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जिस तरीके से आपको बताया गया कि आप लोगों का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में मदद करेंगे देखिए एसआईपी करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बैंक्स में रखने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कल की वीडियो पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेवन का इन्फ्लेशन रेट है बैंक आपको सात दे रहा है ठीक है एक तरीके से आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो तीन महीने का यहाँ पर आप अगर मेहनत करेंगे डिपेंडेंट होके मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आप तीन महीने बाद अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ठीक है उसके बाद आपको इन्फ्लेशन रेट इन सब चीजों की चिंता नहीं है आप महीने में सात परसेंट अर्न कर सकते हैं डेफिनेटली महीने में आप सात परसेंट अपनी कैपिटल अर्न कर सकते हैं ठीक है लाइफ टाइम एक्सेस टू आर कम्युनिटी सर्वर होगा एक डिस्कॉट सर्वर हमारा एक प्राइवेट बना हुआ है वहां पर आप लोगों को सर्वर प्रोवाइड करवाया जाएगा डिस्कॉट का मतलब मेरे दो सर्वर हैं एक तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है एक दूसरा मैंने और बनाया है वहां पर अभी तक कोई एडेड नहीं है वो जनवरी से लोग एडेड होंगे जो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं ठीक है वहां पर सर्वर होगा प्लस एक एडिशनल बेनिफिट गाइज और है आप लोगों के लिए ये मेरे लिए भी बेनिफिट है एक तरीके से मेरे लिए भी बेनिफिटेड है फास्ट लर्नर्स जो भी फास्ट लर्नर है बिकम अ पार्ट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये हमारी कंपनी का पार्ट भी बन जाएंगे परसेंटेज बेसिस जाएंगेजिस हिज और हर रिवॉर्ड इसका रीज़न क्या था ये प्रोवाइड करवाने का देखिए मेरे पास जो भी मेरे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है जो यूट्यूबर्स हैं वो बेसिकली यही है कि नहीं मैं तुमसे क्यों बात करूं मेरा चैनल ऊपर है मेरा चैनल नीचे है तो इस चक्कर में ना मैं बहुत बार आप लोगों को भी पता है कि हर थोड़े बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ सो नो रिस्पॉन्स सो इस वजह से मैंने क्या करा कि आई नीड अ टीम ठीक है जो मेरे साथ रहे और मेरे को मार्केट में मोटिवेट करे मेरे को मार्केट में बताए कि किस तरीके से करना आई मोटिवेट देम पर्सनली ठीक है तो मैं उन लोगों को एक परसेंटेज बेसिस पे अपनी कंपनी के पार्ट को रखूंगा एंड उनके लिए रिवॉर्ड होगा ये एक तरीके से उनको सिंपल कुछ नहीं करना फास्ट लर्नर इन द सेंस क्या हुआ जो मेरे कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते सीख गया फास्ट लर्नर इन द सेंस कि उनके चार्ट की एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छी है वो हल्के हल्के सीख रहे हैं इंप्रूव कर रहे हैं एंड आई एम सीइंग आफ्टर थ्री मंथ्स अगर वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर गए और वो मतलब एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहना चाहूंगा आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आल्सो ठीक है बट अगर वो मेरे जितने बराबर लेवल पे आ गए मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरे जितना आप पहुंच जाओ अगर कोई भी बंदा मेरे जितना पहुंच जाएगा दे विल डिजर्व एज अ परसेंटेज बेसिस ऑन माई कंपनी ठीक है सो ये रिवॉर्ड भी है आपका रिस्क क्या है तीन महीने का बस आपको मेहनत करनी है ठीक है

तो कौन सी कंपनी में क्या हुआ तो वो सारी की सारी न्यूज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगे ठीक है एक पर्सनल प्राइवेट ग्रुप बना जाएगा जो कि बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा जो सिर्फ ये ज्वाइन करेंगे ठीक है क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो केयर्स क्रिएट हो जाता है एंड वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें बहुत ईजीली पढ़ना है अब ये कोर्स किस किस के लिए है ओनली फॉर सीरियस लर्नर्स ठीक है सिर्फ सीरियस लर्नर्स के लिए है जो मैड है और पैशनेट है अबाउट स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस बेसिक नॉलेज आपके पास देखिए शेयर मार्केट की होनी चाहिए कि शेयर मार्केट होता क्या है एनएससी बी एस क्या होता है ठीक है एंड टेक्निकल एनालिसिस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बेसिक मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक ही कैंडल क्या होती है भाई हाई लो विक क्या होती है टॉप क्या होता है क्लोजिंग प्राइस क्या होता है ओपनिंग प्राइस क्या होता है ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा सेटअप आप लोगों के सामने हम लोगों ने प्रेजेंट करा हुआ है इसमें सब कुछ कवर है गाइस सब कुछ जो आपको नीड चाहिए इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं चाहिए होगी डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं सो so, इसका जो हम लोगों ने एक प्राइस डिसाइड करा है विच इज थ्री मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम इसका प्राइस हम लोगों ने डिसाइड करा है विच इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर थ्री मंथ्स नॉट फॉर अ मंथ कंफ्यूज मत होइएगा कि एक महीने के यहाँ ये तीन महीने के हैं मतलब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ एंड चार्जेस फॉर थ्री मंथस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज यस बट आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ लाइव मार्केट पे आपको बताए जाएंगे स्टॉक्स रिकमेंड करे जाएंगे प्लस आफ्टर मार्केट एनालिसिस होगी जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही आप लोगों को पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू लाइव पढ़ाया भी जाएगा प्लस आपको लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है ठीक है तो आपको ये सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो आपको ये एक पूरा सेटअप मिल रहा है मतलब आप एक समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर आपके पास आ रहा है जो आपकी तीन महीने तक आपकी मदद करने वाला है येस yes, एक एक सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट समझ सकते हैं जैसे मनी कंट्रोल होता है वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है वो आपको स्टॉक्स के बारे में बताता है बट वो पढ़ाता नहीं है तो सारी वेबसाइट्स को घूमने से अच्छा एक ही जगह आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस अगर आप लोगों को पसंद आता है तो यूट्यूब के नीचे जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें डिस्क्रिप्शन है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक लिखा हुआ है लिंक डाला हुआ है उस लिंक को डाल के ना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी क्वेरी डाल सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ई एड्रेस ठीक है अपना नाम बता सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को बाय करने के लिए ठीक है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं डेफिनेटली उस फॉर्म को फिल करिएगा एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू वन ठीक है फर्स्ट ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है सो आई डेफिनेटली वॉन्ट सम वन टू ज्वाइन मतलब बेसिकली नॉट फॉर दिस बट थ्री महीने हैं एंड इसके अगर आप लोगों को रिव्यूज पता चले देखिए मैं अपने क्लाइंट से बोल दूंगा कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब के नीचे जो हमारी वीडियो है अपने आप रिव्यूज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं ठीक है तेके? क्योंकि अभी वेबसाइट बनने में दो से तीन दिन है बट डेफिनेटली मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करा है बहुत मेहनत करके ट्रेन करा है एंड आप लोगों को भी उसी की तरह ट्रेन करा जाएगा ठीक है गाइस बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स भी इसके अंदर लेकर आए हुए हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड हम लोग आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर